वंदित शब सिद्धि धूमचल मनोभव गईं पते भोक्षामि समय पाहुं मृणमाशुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। श्री समय सार जी परमागम विराजमान हैं। इसमें 47 शक्तियों में से करंट शक्ति 43 नंबर की है, उसकी चर्चा करते हैं। 43 नंबर की शक्ति है, कौन सी शक्ति है? करंट। पहली शक्ति कौन सी थी? कर्ता। दूसरा कर्म। तीसरा करंट। कर्ता का चिन्ह क्या था? कर्ता का सिंबल ने, कर्ता ने। कर्म का सिंबल क्या था? को, कर्ता ने कर्म को। दो ही चल पाई, अभी तीसरी करण चलेगी। करण का सिंबल है से, करण से। राम ने कलम से पत्र लिखा, कलम से पेन, पेन से पत्र लिखा, पेन से लिखा, पेन करण। करण माने साधन। आपको बिजनेस करना है, कितनी कैपिटल से करेंगे? तो कैपिटल क्या हो जाएगी? करंट। कितना रॉ मटेरियल से करेंगे? कितने प्रोडक्शन से शुरू करेंगे? कितनी मार्केटिंग से करेंगे? कितने का एड से करें? ये सब करण है। बिजनेस करने के लिए करण है, साधन। ऐसे ही जगत में कोई भी काम होता है तो उसका साधन चाहिए। आपको पता है सभी के पास सुनहरे स्वप्न होते हैं। सुनहरे स्वप्न समझते हो? गोल्डन ड्रीम सभी के पास होता है। एक भी आदमी सड़क पर नहीं बैठना चाहेगा, लेकिन यदि मजबूरी होती तो करंट। कौन सा बिजनेस करोगे? यदि तुम्हें बिजनेस करना पड़े तो कौन सा करोगे? तो कितना बड़ा विजन देखोगे आप? जितना करंट है कि पंडित जी मेरे पास तो 50 करोड़ रुपया है, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मारुति की एजेंसी ले लूँ। गरीब आदमी से पूछो क्या करोगे कि बिजनेस क्या करोगे? मैं सोचता हूँ कि एप्पल की एजेंसी ले लूँ। एप्पल समझिए, क्योंकि मेरे पास कितना पैसा है कि 25,000 रुपये। मैं सोचता हूँ रोज सफरजन लाऊँगा और बेच दूँगा। माने हर व्यक्ति सब अच्छा। एप्पल वाले से पूछो तेरे को सेंट्रो की एजेंसी दिलवा दें, तो वो एकदम आंखें फाड़ के देखा कैसे संभव है? संभव कैसे? मैं सेंट्रो कार की एजेंसी लूं, ये संभव कैसे? क्यों संभव में क्या है? इतनी एजेंसी खुली है कि नहीं खुली? तो उसका सीधा क्वेश्चन होगा। लेकिन उनके पास इतना करण है। करण अब तो समझ गए? समझ गए सभी लोग? करण माने साधन होना चाहिए। बिना साधन के बड़ी एजेंसी कैसे लोगे? अभी मैं आपसे कहता हूँ भगवान बनना है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी बड़ी बात माने तुझे करण का पता नहीं है। तुझे करण का पता नहीं है? यदि करण का पता होता तो छोटा सपना देखता? छोटा सपना, छोटा सपना समझे? बोलो, देह छूटने के बाद नरक जाना कि स्वर्ग? ये छोटा सपना है, करण की खबर नहीं है। यदि करण की खबर होती तो स्वर्ग जाने की कौन बोलता है? बॉम्बे वालों से यदि कहो, नहीं बॉम्बे यहाँ भी हो गया सिस्टम, तो क्यों एक अच्छा सा घर खरीद लो तो घर के नाम पर उसे फ्लैट ही दिखता है। घर के नाम पर बंगले की कल्पना ही नहीं हो पाती। मतलब बॉम्बे में एक अच्छा घर खरीदना है तो अच्छा घर का मतलब हम गाँव वाले कैसे देखते हैं स्वप्न? जहाँ अपनी जमीन होगी, अपना आसमान होगा और एक फ्री लिबर्टी होगी कि जितना ऊंचा बनाना है बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अभी
बॉम्बे वालों से, बड़ी मेट्रो सिटी वालों से बोलो एक अच्छा घर खरीदना 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ हमारे गांव में बोलो 1 करोड़, तो फिर 1 करोड़ में तो जाने कितनी जगह खरीद ले वो लंबी चौड़ी। लेकिन वो सिटी वाला तो 1 करोड़ में सोचे अच्छा ठीक है, 1-2.5 कमरे का फ्लैट होगा, बस इतना है कि उसमें टाइल्स थोड़ी अच्छी लगी होगी, लेटरिन बाथरूम में थोड़े नल अच्छे लगे होंगे, एक थोड़ा सा सोवर लगा होगा, थोड़ा अच्छा अच्छी क्वालिटी का, समझ में। मतलब उसकी सोच ही उतने से आगे नहीं बढ़ती स्वर्ग जाना। अब स्टार्ट है डिस्टेंस में आया, करण कम होगा तो उसका स्वप्न छोटा होगा, यह 13 करण दिखाती है, यहाँ करण शक्ति में तुझे 13 करण दिखाते हैं। आहा, तेरे पास संसार का कोई करण नहीं है, अभी शक्ति चला रहे हो, अभी करण कारक वो सट कारक का वो वाला नहीं, जो एट ए ग्लांस था वो नहीं चलाया, अभी अभी शक्ति का चला रहे, शक्ति का। आहा, तेरे में करण माने साधन, भगवान बनने का करण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का करण है। एक दृष्टांत दूं समझ में आएगा, आटा लोट, लोट कितनी बढ़िया दी बेस्ट भाकरी बने, पूरी बने, और क्या क्या बनती है जो भी कुछ मेरे को मालूम नहीं, बहुत सारे सामान बनते हैं इसके, हलवा बने, मैंने अच्छा अच्छा बहुत सामान बनता है, लेकिन जिसने जन्म जात घी नहीं देखा हो, बर्तन तक ढंग की नहीं देखी हो, जिसने हाथ से टिक्कड़ क्या बोलते हैं रोटली की मम्मी रोटला नहीं मैंने मोटा टिक्कड़ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे आँच पर सेंक दिया उसको तो जल रहा है सिक रहा है मोटा मोटा ऐसा, अब उससे कहो लोट देखते से ही उसको इमेज क्या चलती है, ठीक है भैया 2 रोटला बना लो, और क्या 1-250 ग्राम का तू खाना 250 का मैं खाऊंगा, 250 ग्राम 2 टिक्कड़ बना ली। और जिसने जन्म जात बोई देखा हो तो उसको कहाँ लग सकता है कि इस लोट में से टेस्टी हलवा बन सकता है, ऐसे ही जिसने जन्म से ही निगोद देखा हो, जन्म से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी ये हालत देखी हुए, गरीबों की बस्ती में पैदा हुआ हुए तो उसे तो यही लगता है भैया ज़्यादा से ज़्यादा भक्त। आप कभी देखना गांव में मतलब गरीब लोगों के झोंपड़ों में जाके देखना, उनके यहाँ यदि किसी दिन हलवा बन जाए ना कोई अच्छी चीज़ बन जाए, उस दिन तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, भगवान सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं सबकी सुनते हैं, क्या सुनते हैं, फटे कपड़ा पहनता है झोपड़ी में रहता है, भाई एक दिन जरा से कोई अच्छा खा लिया, जरा एक अच्छा यदि किसी दिन पूरियां बन जाए ना तेल की, इतने में तो भगवान थैंक्स, समझ में आ रहे कुछ, इस लोट में से दी बेस्ट आइटम बन सकता है उसे पता ही नहीं। ऐसे करण बताना है, करण आटे में से क्या क्या बन सकता है, आटे में से क्या क्या बन सकता है, दी बेस्ट का तो नाम आप भी क्या बताऊं मैं भी क्या बताऊं, रात्रि में भोजन की ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहिए लेकिन एक दी बेस्ट कुछ बन सकता है। ऐसे ही आत्मा करण है, तेरे में से परमात्मा पना निकले ऐसा करण है, जिसको ये परमात्मा की खबर नहीं है वो इतने में खुश हो जाता, पंडित जी मारी लगन थी गई, सगुन थी गयो, क्या बोलते सगाई एंगेजमेंट, बस पागल तेरे में पति बनने का करण है कि त्रिभुवन पति बनने का करण है, एक का पति कि त्रिभुवन का पति, समझ आया आवाज आ रही थी, क्या कहा एक का पति कि 3 लोग का नाथ, अब 3 लोग का नाथ तू बनता फिरे अनाथ, अभी करण की खबर नहीं, एक थोड़ा और सरल दृष्टांत दूं, करण समझाना मुझे पहले, करण का भाव समझ में जाए, क्योंकि ये करण स्कूल में भी पढ़े लेकिन याद किसी को नहीं, क्यों करण के बारे में डिटेल कोई बताते भी नहीं, मतलब जनरली सोचते ही नहीं, तो पहले करण का मतलब समझो, 1 करोड़ का हीरा ये 1 करोड़ का करण है, 1 करोड़ का हीरा ये 1 करोड़ का करण है, यानी किसी भी दिन भाई तो 1 करोड़ नगद आ जाएगा। अब 1 करोड़ का हीरा सब्जी वाले को मिल गया तो उसे वो कितने का करण लग रहा है,
वो तो चमकीला पत्थर लग रहा है, उसे तो पता ही नहीं कि हीरा है, उसे नहीं मालूम कि 1 करोड़ का हीरा है, उसे तो चमकीला एक पत्थर है, दिखने में थोड़ी शाइनिंग अच्छी लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा उसने रखा पलटा, बच्चों को खेलने दे देंगे, बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, इतना बढ़िया पत्थर तो किसी को मिलता नहीं है। और यदि इतना बड़ा पत्थर मिल जाए ना हीरे का 1 करोड़ का, तो बच्चा वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी वाला क्या सोचेगा कि इसको हम पत्थर से तोड़ करके 5 कर देंगे, 5 समझ गए, 5 करके समझते हो, वो क्या खेलते हो ऐसे, कुछ होता नहीं ऐसे जमीन पे ऐसे डाल देते हैं, फिर एक ऐसे करते हैं, फिर एक उठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं कुछ एक गेम नहीं होता बच्चियों का, चपेटा ऐसा कुछ नाम है, नहीं ऐसा ऐसे ही नाम है उसका, हमारे यहाँ भी चपेटा बोलते हैं इसको, 5 मैंने वो 1 करोड़ का हीरा का क्या बनाने जा रहा है वो, कि हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे, देख आज बच्चों को पहली बार कोई अच्छी गिफ्ट दूंगा, उसको पता ही नहीं तेरे पास 1 करोड़ का कर्ण है, पॉइंट पर मेरे, आहा सही बताना, आपको तकलीफ नहीं होती 3 लोग का नाथ बनने का कर्ण होने पर भी तू जरा से फ्लैट का कर्ण बना, पुण्य का कर्ण बना, पुण्य का तुमने भगवान आत्मा को पुण्य का कारण कर्ण माने, अभी कारण भी कहते हैं तो समझ लेना, लेकिन कहना है कर्ण, कारण नहीं कहना मुझे, साधन। अभी अपने को डिक्लेयर हो जाए कोई देव आए, देव, और डिक्लेयर कर देवे आपको 5 वा स्वर्ग, आपको 7 वा स्वर्ग, आपको 12 वा स्वर्ग, आपको पहला नरक, नरक भी बोलेगा किसी को, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा, स्वर्ग वाला तो एकदम आजकल की स्टाइल में क्यों क्या हो गया क्या हो गया, ये जीत गए, विक्ट्री, काहे की विक्ट्री हो गई, ये तू मूर्ख है, 1 करोड़ का हीरा तूने 5 रुपए में बेच दिया, समझ में आ रहा कुछ, आहा स्वर्ग है भैया, स्वर्ग का भाव है वो, तू उसका कारण नहीं है, ये उसकी डिवेल्यूशन है, डिवेल्यूशन समझ गए, डिवेल्यूशन इंग्लिश में समझे कि नहीं, जल्दी बोलो, नहीं समझे, ये तो तूने उसका मूल्य का अप, क्या कहना है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूल्य का अपमूल्यन कर दिया, तूने गिरा दिया उसका कीमत, 1 करोड़ का हीरा 5 रुपए में बेच दिया, उन्हें कितने कम कीमत वसूल की तूने, आहा रे रे, धन है शुद्ध आत्मा को जानने वाले सम्यक दृष्टि, स्वर्ग में कभी खुश होते नहीं, स्वर्ग के भाव में खुश नहीं होते, इसका नाम है पुण्य भाव है, पुण्य भाव है, हमें स्वर्ग के भाव से खुशी नहीं होती, क्यों, उसे करण की खबर है, कल्पना करो 1 करोड़ का हीरा, फिर वो वापस किसको मिला, सब्जी वाले को, और सब्जी वाला गांव का रहने वाला खेडूत है, तो वो वही मार्केट में पहुंच गया किराने की दुकान पर, और तो ज़्यादा कोई बड़ी दुकान है नहीं, वहाँ सर्राफे की दुकान तो है नहीं, तो वहाँ किराने की दुकान पर पहुंच गया, भैया जे खरीद लो, बहुत अच्छा पत्थर है चमकीला, तो उसने देखा उलट पुलट के, ठीक है, अब वो भी नहीं समझता था, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, 1/2 किलो का बांट बना लेंगे हम, बड़ा था नहीं वो इतना बड़ा, 1/2 किलो समझ गए, 1/2 kg, 1/2 kg का बैटे बन जाएगा, हम इससे वजन तोल दिया करेंगे, 5 रुपए ले जा, ले 10 रुपए ले जा, ए क्या कर रहे हो, बेचोगे आप, बेचोगे 1 करोड़ का हीरा 10 रुपए में, बोलो, तो उसने सोचा नहीं नहीं 10 नहीं 15 रुपए तो मिलना चाहिए कम से कम, तो नहीं लिया उसने किराने वाले, तो दूसरी दुकान पे गया, उसे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, तो उसने कहा कि कितने में लोगे सेठ जी, कि 50 रुपए में, पुण्य को दिया है ना, अब बोलो जल्दी, पुण्य को दिया है कि नहीं, अरे बोलने, अभी वो 10 रुपए में खरीद रहा था, ये 15 में बेचना चाह रहा था, अब कितने में बिक रहा है, पुण्य का उदय आया कि नहीं, 1 सेकंड को तो अच्छा लगा, हाँ लेकिन 10 से सीधा 50 हुआ, आमा मने कहीं लागे छे कोई बात तो है, 50 हो रहा था, चल एक दुकान पर और ट्राई मारती, कपड़े की दुकान पर गया, उसको दिखाया, भैया ये हमको पत्थर बेचना है, आप खरीदो तो खरीद लो भाई, कम में बेचेगा तो अपन वहीं बेच देंगे, बाई में ज़्यादा मिल जाए, तो अब वो थोड़ा ज़्यादा सब्जी वाले की तुलना में किराना वाला किराने वाले की तुलने में
कपड़ा वाला थोड़ा तो मास्टर होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, उसने देखा यार लग तो अच्छा रहा, जोरदार। बोले 500 रुपये लोगे? पुण्य का उदय आया कि नहीं आया? ये तो तुम कह रहे हो, वो तो पहली झलक में तो खुश हो गया, लेकिन बुद्धिमान था वो, खोजी, मोक्ष मार्ग में खोजी जिए बादी मरे। क्या कहा? खोजी जिए 500 रुपये में। क्या करोगे अनुज, बेचोगे नहीं बेचोगे? ए तेरे को तो मालूम पड़ गया रेट, इसलिए नहीं बेचेगा। खैर उससे पूछते हैं वो क्या करता है, 10 का 50, 50 का। अब चलो फाइनल रेट तो पता लगी, 500 में तो कम से कम बिकेगा, 2 दिन की तो सैलरी अपनी आई गई, मतलब बिजनेस करते ना तो 2 दिन में इतना तो कमाते ही 500 रुपये अपन। चलो कोई बात नहीं, ट्राई मारने में क्या जाता है, थोड़ा और बड़े शोरूम वाले के पास जाते हैं अपन, उसको दिखाते हैं, उसको दिखाया तो वो तो थोड़ा और समझदार था शोरूम वाला, भैया कहाँ से लाए हैं, 5000 दे सकता हूँ। 5000 हो गया था नहीं रेट, अभी नहीं हुआ ना रेट, अब 5000 हो गया। उसको क्या लग रहा होगा बताओ, क्या लग रहा होगा? अब तो अब मालूम क्या बोला, अब कुछ कह नहीं रहा, अब ये सेठ जी ठग रहे हो, 5000 रुपये बस देखो। दुकानदार समझ गया कि ये जानता है इसका प्राइस, बेवकूफ नहीं बना सकते, फिर भी उसने सोचा कि गांव का खेडूत है, एक काम करो चल 50000 दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो तो पागल ही हो गया। कि बाप रे, एक सेकंड में बोलने पर तो ये 50 दे रहा है। इतने में एक सराफ आया उसी की दुकान पर, उसने देखा कि जी क्या बातचीत चल रही है, बोले 5 लाख लोगे? वो तो उसके समझ नहीं आ रही है, भगवान ये कोई जादू की चीज है क्या है ये, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बेचना, हमारी चीज वापस कर, मुझे नहीं बेचना, ये तो कोई बहुत बड़ी जादू की चीज लग रही है। 5, 50, 500, 5000, 5 लाख, 50000 का 5 लाख। तो वो जवेरी, अब कपड़ा वाला तो ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकता था ना, उसकी हिम्मत नहीं थी, तो जैसे ही वो रख करके नीचे उतर रहा था तो जवेरी पीछे से आया, पीछे पीछे आया उसका, भैया 5 लाख कम कितने, 5 लाख बोले थे ना, 5 लाख कम लग रहे हो तो फाइनल बोलूं ना, तेरी ना मेरी, आज कैसे बोलते थे। फाइनल बोलूं, बोलो 50 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। अब कितना एक्साइटमेंट हो रहा होगा उसको, आप कल्पना कर सकते हो उसको कितना मजा आ रहा होगा। नहीं 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 मैं नहीं देना। अब तो वो संग संग उसके घर गया कि किसी तरह मिल जाए तो 1 करोड़ का माल है, किसी तरह मिल जाए। मैं ज्यादा नहीं कहना, स्टोरी तो बहुत लंबी की जा सकती है, 3 घंटे की पिक्चर बन सकती है। लेकिन अपने को इतनी बड़ी डील बनाना है, अपने को तो 1 मिनट में खत्म करना है इसको। उसका उसको वो वस्तु अब कैसी लग रही, जो पहले दिन ऐसा पत्थर लग रहा था, फिर उसका खेलने का चपेटा बनाना चाह रहा था, अब वो उसको घर ले जाके बच्चों को देगा, जैसे वो 1 महीने से दिया था, 1 महीने से दिया था, अब देगा? अब खीसा में ऐसे रख के जाएगा? अभी अभी तो बेचने गया था तो खीसा में रख के ले गया था, अब भैया कोई को पता ना लग जाए, पिक पॉकेटर नहीं आ जाए, पत्नी को बुलाया धीरे से, अभी तक कैसे, ए इधर आओ राम की भाई, जो भी बोलता हो ऐसे ऐसे देता, अब इधर आओ, आनी स्टोरी खबर छे, जो इतने धीरे क्यों बोल रहे, जोर से बोलो ना, ए पड़ोसी सुन लेंगे, ले गजब हो गया। ऐसे चेतन हीरा की वैल्यू करण, चेतन हीरा की वैल्यू करण मालूम पड़ जाए, तेरी स्वप्न बदल जाएंगी, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। तू घर में बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में, अभी तो तुम जरा सी डिग्री में खुश हो जाते हो, जरा कोई डिग्री पास कर ले BA MA IIIT, ये वो, इतने में तो ये सोचता है भगवान बन गया हो, ये तुझे कुछ नहीं आता अभी, IIIT वाले को कुछ नहीं आता अभी, IIIT अकेले ही नहीं कहता हूँ, IIIT जरा ज्यादा हीरो मानते ना, इसलिए मैं उनको कह देता हूँ। MBBS बुरा नहीं मानना कोई, MBBS वालों को कुछ नहीं मालूम, CA
कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए तेरे से कह रहे हैं अनुज, ऐसी जगह जहां जहां तेरे हीरे की असली वैल्यू मालूम पड़ जाए। समझ में आया क्या कहा मैंने? असली हीरे की वैल्यू मालूम पड़ जाए, बाकी सब ठगने वाली दुकानें हैं। हाँ हाँ, इस चेतन हीरा की वैल्यू क्या है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो अनुज तुम कितने बेचोगे हीरा को? पिक्चर खत्म करें, फाइनल। एक करोड़ का हीरा कितने बेचोगे? बोलो बोलो ने। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि इसका जवाब नहीं दे सकते तो फिर हाँ, अब तो किसी भी कीमत पर एक करोड़ से कम में नहीं बेचेंगे। बस अब मैंने स्टोरी तो बहुत लंबी कर दी। आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति, डॉक्टर, इंजीनियर, बोलो बोलो, चक्रवर्ती, कामदेव, एक क्रम क्रम से वैल्यू बढ़ रही है। एक एंद्री से लगा करके चक्रवर्ती तक क्रम क्रम से वैल्यू बढ़ रही है। इंद्र, आहा इंद्र, ओहो सोधर्मेंद्र, वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, इसका मतलब है पुण्य भाव ये है, उसका फल भी ये है। मैंने स्वामी जी की इतने साल की पूरी स्टोरी सुना दी दो मिनट में। शुभ भाव ये है, स्वर्ग स्वर्ग का भोग, ओ हो हो, ऐसे ऐसे आप पढ़ो। जब प्रथमानियों पढ़ना, थोड़ा प्रथमानियों शांति से पढ़ना। प्रथमानियों में ऐसा ऐसा लिखा है, स्वर्ग का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव, छखंड का भोग। ऐसा लगता है ऐसे आनंद नहीं आता, ऐसे आनंद नहीं आता जैसे कोई मनुष्य को कोई वॉमिटिंग खाने के लिए दे। वॉमिटिंग खाने को दे तो कैसा लगेगा? कैसा दे समझो, मैं ऐसी वैसी वॉमिटिंग नहीं बोल रहा हूँ। सोने की थाली में, कौन सी थाली में? सोने की थाली में, और उसने बढ़िया काजू, पिस्ता, बादाम, मैसूर पाक, केसर पाक, बादाम और क्या क्या होता है, बहुत सारा पाक, जो भी दी बेस्ट आइटम, मैंने जो अच्छे अच्छे हो सकते हैं, सब महंगे महंगे, और सब उसने खाया और वॉमिट कर दिया। और वॉमिट करने के बाद वो आपको सोने की थाली में, रत्न जड़ित थाली में आपको दे रहे हैं। कितना चम्मच खाओगे? क्या बात करते हो, बोलो नहीं खाओगे? बोलो तो जरा, है लिखा है, हे जीव तूने अनेकों बार वॉमिटिंग की तरह त्यागा हुआ परिग्रह ग्रहण किया है। समझ गए? तो समझ गए। अरे तेने कभी मुनि दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा ली थी तब तूने वॉमिट किया हुआ था, अगले जन्म में तूने फिर ग्रहण कर लिया। ऐसा लिखा, तेरी स्वान वृत्ति है। स्वान समझते हो? कुत्ता, कूतरा। स्वान स्वाद सो खाए, मनुष्य नहीं खाता, मनुष्य नहीं खाएगा। स्वान, स्वान माने कूतरो। कुत्ता स्वाद से खाता है ऐसी। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि, इस चेतन हीरा की वैल्यू भूल करके त्यागा है। देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। इस सम्यक दृष्टि कभी मौज नहीं मानता। देवगति अपने को तो अभी मिलती तो नहीं, देवगति अपने को, लेकिन मौज अभी से ही आती है। देवों का देवगति, वाह गजब। समाधि मरण के प्रसंग में लिखा है, देवगति का वर्णन नहीं सुनाना, मरते समय देवगति का वर्णन नहीं सुनाना उसे, क्योंकि पूरी जिंदगी की मेहनत हो सकता है वो स्लिप हो जाए। अच्छा, ऐसी देवांगना, ऐसी बॉडी, ऐसा रिद्धि, ऐसा ईगो, वो भ्रष्ट हो जाएगा। देवगति का वर्णन नहीं करना समाधि मरण के टाइम। हा हा, एक शुद्ध चैतन्य चिंतामणि का वर्णन करना बस। दी बेस्ट समाधि है चैतन्य चिंतामणि का ध्यान, रमणता, दी बेस्ट, दी बेस्ट समाधि। अरंतो सिद्ध भगवान को दी बेस्ट समाधि है, दी बेस्ट, समझ गए? उसके बाद लोअर क्वालिटी की है। सबसे अच्छी शुभ भाव की समाधि में यदि कहा जाए तो शुद्ध चैतन्य का ध्यान माने विचार अथवा श्रवण, ये लोअर क्वालिटी में सबसे नीची लेवल की है। बाकी तो फिर अन्य की लेवल अच्छी नहीं है,
अपन तो बापा साहब करण की कीमत मालूम पड़ने के बाद कौन को स्वर्ग में आनंद आए, चक्रवर्ती के भोगों में कौन को आनंद आए? आपको आप कुछ भी कहो पढ़िए डॉक्टर साहब की, आप कुछ भी कहो पढ़िए पढ़िए, लेके जाना पढ़ना, ठीक है पढ़ना। उसमें कहानी है भरत चक्रवर्ती की, दो कहानियां उसमें, एक अभागा भरत और एक उच्छिष्ट भोजी। उच्छिष्ट माने वॉमिटिंग, भोजी माने भोजन करने वाला। पढ़ना भैया, निकालना भैया अपने, है आप कुछ भी कहो, है नहीं है, कहीं ना कहीं है इधर, हाँ ऊपर निकालना। सभी बच्चों को एक एक बार जरूर पढ़ाना। मैंने तो कहा इनके पाठशाला में, यदि आपकी वीकली लगती है पाठशाला तो अलग अलग क्लास वाइज, हाँ दो बार कोई बात नहीं, तो जितनी क्लासेस है सबको सेल्फ रीडिंग के लिए एक बुक दो, जैन धर्म की कहानियाँ, आप कुछ भी कहो, सम के सावन, ये एक बुक ले जाओ, वो स्टोरी के नाम पर घर ले जाएंगे, इन पढ़ेंगे, एक सप्ताह में लौटा दें, दो सप्ताह में लौटाएं, पढ़ें बच्चे, बहुत बहुत जोरदार। उच्छिष्ट भोजी, उच्छिष्ट माने वॉमिटिंग का ग्रहण करने वाला। भरत चक्रवर्ती कहता है, हे माँ तुझे तेरे चक्रवर्ती बेटे पर गर्व हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता, मुझे तो गर्व होता है अपने उन भाइयों पर जिन्होंने दीक्षा लेकर के, नन्हे भाइयों ने दीक्षा लेकर के आज हमारे पिताजी के साथ, पिताजी केवली अरंत तीर्थंकर और 99 भाई भी केवली, लेकिन मैं अभागा भरत हूँ। जब मैं लिखने गया तब मालूम पड़ा कि 6 खंड तो उच्छिष्ट है, पहले कोई चक्रवर्ती ने जीता था उसका छोड़ा हुआ है, समझ गए? नहीं आया समझ में? कभी आप डफर पार्टी, डफर तो थोड़ी ठीक होती है दूसरी पार्टी समझो, भोजन करके कोई व्यक्ति उठ जाए उसी में तुम्हें परोसा जाए तो, समझ में आ रहा कुछ? इस स्वीपर होते ना स्वीपर, तो जब ये आपके पार्टियां वगैरह होती है ना तो ये कलेक्ट करके ले जाती है, जो वेस्टेज नहीं बचता आपका, थालियों का, प्लेट्स का, वो रसगुल्ले, रसगुल्ला तो एग्जाम्पल में आ ही जाता है, तो वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट। अब इतना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं बहुत सारी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं गाँव में अपने जो रिलेटिव होते हैं गाँव में, तो वो उसके पैकेट बना बना के उनको भेज देते हैं। तो एक पार्सल हमारी भोपाल में आई, पार्सल भोपाल वालों के लिए बॉम्बे से, समझ गए? तो सहयोग की बात है, वो कोई उठाने धरने में छेद हो गया, उसे छेद हो गया तो सीरा निकला उसमें से रसगुल्ले का, तो जो क्लर्क था ना उसने निकाल के खा लिया, खा लिया कोई बात नहीं, अब उसको तो मजा ही आ रहा था, तो उसने छेद बड़ा करते करते पूरे ही खा गए, सारे क्लर्क मंडल रेलवे स्टाफ पूरी वो पैकिंग खा गए, अब पैकिंग पैकिंग रह गई, अंदर का मटेरियल खा गए सारा तो वो आया, वो क्या कहलाता जो पैकिंग छुड़ाने वाला, पार्सल छुड़ाने वाला आया, बोले भैया हमारी वो पार्सल आई बॉम्बे से, तो बोले आई तो थी भैया लेकिन चूहे खा गए चूहे खा गए, तो बोले कोई बात, ये तो हमारे ससुराल से, हमारे ससुराल से पैकेट आया था, वो भोजन का जो बचा हुआ जूठा रहता है ना वो बाप रे ब्राह्मणों को खबर पड़ गई कि चोरी का माल कैसा होता है अरे कितनी बुरी हालत हुई होगी आप कल्पना नहीं कर सकते, कैसा लगता है बोलो यदि क्लर्कों में तुम होते तो? ये उसको लग रहा था, कौन को? वो भरत चक्रवर्ती को। आहा, जब हम वो पर्वत पर लिखने गए, जब उस पर्वत पर लिखने गए अपना नाम, तो वहां जगह नहीं थी, ओ इतने चक्रवर्तियों के द्वारा 6 खंड भोग भोगने के बाद छोड़ दिया गया, माने भोजन करने के बाद छोड़ दिया गया, ओ वह भोजन मैंने ग्रहण किया, बस मुझे उस समय से लग रहा है मैं उच्छिष्ट भोजी हूं, आई कांट प्राउड, ऐसा गजब गजब लिखा है उसने, इतने बढ़िया बढ़िया वाक्य लिखे। हे माँ तेरे बेटे भरत के राग की मजबूरी हो सकती कि वो चक्रवर्ती कहलाए, लेकिन उसकी श्रद्धा की मजबूरी नहीं हो सकती, उसकी श्रद्धा की मजबूरी नहीं हो सकती कि वो अपने को चक्रवर्ती माने, ये राग की मजबूरी हो सकती है। क्या बढ़िया सेंटेंस लिखा है बोलो,
अब बोलो भैया, अब अपन जब चक्रवर्ती की हालत खराब कर दी तो अपनी तुम दी दो। समझ आया कि नहीं आया? देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। कई बार जो कोई ब्रह्मचर्य लेते हैं, जैसे कोई मुनि बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं या ब्रह्मचर्य लेते हैं, तो सबसे पहले यही डाउट होता है इनकी शादी नहीं हो रही होगी। मेरे से कई और लोगों ने पूछा, जैसे मैं जॉब में थे ना, तो कई लोगों ने मेरे से पूछा, आपका कोई चक्कर तो नहीं था? मेरे कहीं आपको डिप्रेस हो गई हो, आपका नहीं हुआ हो सेटल, क्या कहते वो, मतलब नहीं, क्या होता है, टाई अप नहीं हुआ, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कुछ? आपने तो पता नहीं, मेरे तो बचपन से जैन धर्म और गुरुदेव श्री का समागम ऐसा छोटी उम्र से ही मिला। तो आपने तो, सच बताऊं, मुझे तो ये सब तुम्हारी क्या, तो 82 तक पिक्चरों में देखा इसको, 82 तक, इसके बाद वो भी नहीं देखा। जॉब लगी 85 में भोपाल में, तो कभी गए नहीं क्या, फिर न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत पता लगता है, बाकी आपने तो खबर ही नहीं पड़ी। स्वामी जी की क्या कि नक्षत्र छाया इतनी मिल गई, बहुत बस। अब तो हमें आश्चर्य लगता है नहीं, बातों को सुन सुन करके। हाँ, अरे सुन, जो कुछ तू पा रहा है पंच परावर्तन में, सब कुछ तेरे द्वारा भोगा हुआ है, फिर वॉमिटिंग किया हुआ है, और तू उसी वॉमिटिंग को ग्रहण कर रहा है। अभी आप कोई जॉब ज्वाइन करने जाओ तो कोई ने छोड़ी ना वो जॉब, वॉमिटिंग नहीं, नहीं? तुम किसी मकान को खरीदते हो, वो किसी ने भोग करके छोड़ा है ना, वॉमिटिंग नहीं, नहीं? पंडित जी अच्छी अच्छी भाषा बोलो थोड़ा। 1 करोड़ रुपए की वॉमिटिंग है। तो 1 करोड़ दिख रहा है हमें, वॉमिटिंग दिख रही, वॉमिटिंग। मैंने पहले ही कहा था, मैसूर पाक, केसर पाक, काजू पाक, बादाम पाक खाया हो और वॉमिटिंग हो जाए, और सोने की थाली में सजा करके दिया जाए, किस प्राइस पर खाओगे? क्या वर्णन चल रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? तेरा करण वो होते जो तुझे भगवान की करण, भगवान करण हो, तेरा भगवान तेरा करण है, और उसमें भगवान बनने की सामर्थ्य है, बाकी सब लोअर कैटेगरी का कारण नहीं है। 1 करोड़ का हीरा में 1 करोड़ का करण है, इससे कम नहीं है। लेकिन भूल आप को, भूल आपको, भूल गया, मालूम ही नहीं है। करोड़पति रिक्शा वाला पढ़ा नहीं? पढ़ा, पढ़ना भैया, करोड़पति रिक्शा वाला देना भैया, डॉक्टर साहब की एक बुक है करोड़पति रिक्शा वाला, बहुत इजी स्टोरी, इजी स्टोरी, लेकिन लेक्चर एक्चुअली एक पूरा प्रोवेशन है उसमें, ये पढ़ना है। आत्मा ही है शरण में, ये 2-3 लेक्चर हैं, देख लें आप, पढ़ना है सभी लोग, पढ़ना आत्मा ही है शरण, इसमें बहुत अच्छे लेक्चर हैं 2-4, पढ़ने लायक है, पढ़ लोगे तुम, बोट बहुत सरल एकदम इजी। और तुमको हिंदी सीखना है भैया, और नहीं तो इंग्लिश छुड़वा दूंगा तेरी स्कूल की। ए भैया कांगे ध्रुवेद, हमारे बच्चे को बिगाड़ो नहीं आप, हाँ तो हिंदी सीखना है, समझ में आया? मैंने कल इसको एक स्टोरी पढ़ने दी, कुछ कुछ पढ़ा, फिर इससे पूछा, शायद पूरी नहीं पढ़ी ना, हाँ एक स्टोरी पूरी नहीं पढ़ी। तुम वो ही नहीं पढ़ोगे तो फिर समय से आती तो क्या पढ़ोगे बोलो, फिर वॉमिटिंग में चले जाओगे, समझना। हाँ आए, समझ आया भैया? तुम सबसे भी कह रहे, ये तो बच्चा छोटा नहीं इसलिए इसका नाम लिया, तुम्हारा नाम इसलिए नहीं लेता कि तुम्हारी इज्जत नहीं गिरे। हा हा हा, क्या गजब गजब बात, करण 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 करण, तो तुझे पता है तेरी वैल्यू कितनी बड़ी है। 1 करोड़ का हीरा मालूम पड़ने के बाद कोई भी 1 रुपये कम में भी नहीं बेचेगा। आत्मा की वैल्यू, अब आत्मा में करण है ना, तो इसलिए आत्मा की वैल्यू इजिकल टू सिद्ध, आत्मा की वैल्यू इजिकल टू सिद्ध, सिद्ध माने व्यक्त पर्याय, माने वैल्यू, सिद्ध पर्याय माने व्यक्त पर्याय माने वैल्यू, 100% वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है? सिद्ध भगवान से बड़ी वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आत्मा तू अपने को एक स्थान पर रख, एक तरफ सिद्ध भगवान को रख, हाँ मेरी वैल्यू है, इंद्र की क्या वैल्यू है? आपको पता है दिगंबर मुनिराज के पास इंद्र आए, कोई वैल्यू नहीं, कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा इंद्र कौन सा इनमें, अच्छा उधर बैठे, अपने प्रवचन में इंद्र आया आज है, मिथ्या दृष्टि है। इंद्र की वैल्यू
चेतन हीरा के सामने अपन तो इतने भी खुश हो जाते। अच्छा विधायक है, विधायक, अच्छा सांसद, वो राष्ट्रपति, बढ़िया व्यवस्था करो, एक फोटो भी पाड़ो, काय का फोटो। कल्पना तो करो, दिगंबर मुनिराज जंगल में विराजमान है और एक चक्रवर्ती आए। मुनिराज को ये विकल्प नहीं आता कि इनके लिए चटाई डाल दो। मुनिराज चटाई डलवाए तो ग्रस्त, क्या कह रहे, मुनिराज को ये भाव आए इसको चटाई डाल दो, ग्रस्त हो जाए। ओहो मुनिपना खत्म, क्या मुनि, क्यों क्यों समझ में आया नहीं, करण ए सिद्ध समान हूं, मेरी वैल्यू इसके बराबर नहीं, इसकी वैल्यू भी इसके बराबर नहीं, सिद्ध के समान। दृष्टांत हो, घबराना नहीं, जॉब कर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, कितने का जॉब है कि 2 लाख का, बस तेरी डिग्री पे तो 25 लाख का पैकेज है, तो 2 लाख पर अभी अपन कितने खुश हो रहे, मान लो खुश हो रहे, सारी फैमिली खुश हो रही कि 2 लाख हमारे बच्चे के 2 लाख रुपया है। पंडित जी नहीं नहीं 2 लाख रुपया एनुअल नहीं, 2 लाख रुपया मंथली। दृष्टांत हो, डरना नहीं, बड़ा स्वप्न देखना भी नहीं, अपने तो चक्कर पे लिया, दृष्टांत समझाने के लिए। और कोई व्यक्ति बोले कि इसी पे मैं दिलवा रहा हूँ, बोलो 1 करोड़ का पैकेज, ये तो तेरा 25 लाख का साल का है, 1 करोड़ का। अभी ये 25 लाख कितना फीका लगने लगा, 1 करोड़ कितना अच्छा लगने लगा। अब कल्पना करो, 1 करोड़ वाला ये सेटल डील सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, 6 महीने 8 महीने साल भर वो सब फाइनल निकलने में। इस बीच में कोई बोले 40 लाख का 50 लाख का, आप मजा आता है, आपको मजा आता है नहीं आता। सपोज करने की बात है, मैं 1 करोड़ का इसी जॉब, इसी मतलब जो इसकी डिग्री है ना वही डिग्री मेरी है, सेम परसेंटेज है, सेम वैल्यू है, मेरा 1 करोड़ का पैकेज है, अरे 25, 40, 50 के पैकेज पे भी जोर नौकरी कर रहा हो तो मेरी नज़रों में इसकी क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, 50 बस। ऐसे हम एक बात कहते हैं, दिगंबर मुनिराज सिद्ध के समान जिसको वैल्यू खबर हो, और इंद्र बेचारा ठगा गया, ठगा गया, क्या कह रहा हूँ, ए सारा जगत इंद्र को देख के क्या करेगा, बोलो बोलो क्या करेगा। आपको पता है पंचकल्याणक में इंद्र की वैल्यू ज्यादा मानी जाती, मतलब मानते हैं लोग, इंद्र महंगा बिकता है जबकि वो असंयम ही संयम नहीं ले सकता। सब इंद्रों को मालूम है हमको पराजित होना है दीक्षा कल्याणक के दिन, लेकिन राजा की वैल्यू 11,000 21,000 एक क्या मेरे को इतनी होगी क्यों, इसीलिए उसमें कैटेगरी भी होती है 11,000 का 21,000 का 51,000 का ऐसे मतलब। लेकिन इंद्र की वैल्यू बहुत बड़ी है, 2.5 लाख इंद्र वो है कुछ नहीं, दृष्टांत देना मुझे। हाँ हाँ मुनिराज को मालूम है कि ये करण तो सिद्ध का था, ये वैल्यू तो इसकी सिद्ध की थी, अरे रे ये तो 50 लाख का पैकेज में चला गया, 25 लाख में चला गया, इंद्र माने ठगा गया। बोलो करुणा आएगी कि महिमा आएगी। मुनिराज को सेठों की सांसद की पार्षद की महिमा आए, चक्रवर्ती की, ओ चक्रवर्ती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की महिमा आए, संभव ही नहीं है। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके बताओ, जिस हीरे को आप 10 करोड़ में बेचते हो वो हीरा वो 10 लाख में बेच के आ गया, महिमा आएगी, ठगा गया वो, अरे तुम्हारा बैड लग है, बेवकूफ हो तुम, हमारे पास आते नहीं तुम, ऐसा नहीं कहेंगे, बोला ऐसे। दिगंबर मुनिराज कहते हैं, हे इंद्र तू स्वभाव से क्यों चूका, स्वभाव से नहीं चूकता तो आज इंद्र कौन होता, खबर है आपको इंद्र कौन होता है, पूर्व भव का भावलिंगी संत, कौन कौन भावलिंगी संत, स्वधर्म इंद्र वगैरह भावलिंगी संत होते हैं सारे। अरे रे तू ठगा गया, ठगा गया तू, एक अंतर्मूर्त अंतर में लीन होता तो केवल ज्ञान लेकिन मोक्ष जाता, सर्वार्थ सिद्धि में दो गए नहीं नकुल सहदेव, गए नहीं नकुल सहदेव, बोलो उन्हें देख करके आपको स्टोरी में मजा आता है कि दुख होता है, बोलो 5 भाई में से 3 मोक्ष गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि गए, सर्वार्थ सिद्धि में फुल फैसिलिटी, दी बेस्ट फैसिलिटी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको आपको इस स्टोरी में लगता क्या है बताओ, क्या लगता है बोलो,
आप तो समझ आया कि नहीं आया? इसलिए दिगंबर मुनिराज हो के सम्यक दृष्टि हो उसको जगत में पुण्य भाव की, पुण्य के उदय की वैल्यू दिखाई नहीं देती। इसका नाम हे, एक करोड़ का हीरा एक करोड़ से कम में नहीं बेचना मुझे। ऐसी कोई मुझसे कह भी दे, पंडित जी आपके हाथ में तो स्वर्ग जाने की लाइन है, हट काहे की लाइन। मेरे भाई लोग होते ना ब्रह्मचारी भाई लोग, तो एक मेरी थोड़ा पुण्य का तूफान जाता है मेरे पास, थोड़ा है, झट लोग आ जाते हैं, गाड़ी लेकर आ जाते हैं, फटाफट ऐसे बहुत करते हैं, बहुत हैरान, सबसे ज़्यादा हैरान भी मैं ही करता हूँ, लेकिन सब खुश होते हैं, मतलब ऐसा। तो वो पुण्य का उदय देखकर कभी कभी भाइयों को ऐसा लगता है, पंडित जी आपको ईगो नहीं हो जाता, मान कसाई नहीं हो जाती, आपको लोग इतना चाहते हैं, इतना बुलाना चाहते हैं, इतना आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको होता नहीं? मैंने जो बिल्कुल पहली बार जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था, तभी मैंने जो उत्तर दिया वो आपको दे रहा हूँ, ईगो के लिए नहीं दे रहा हूँ, बहुत मुझे मजा आता है उस उत्तर के विचार करने में, मजा आता है, मैं खुल के दे रहा हूँ उसका उत्तर, सुनोगे? मैंने कहा बेटा ईगो तो उसको हो, मान कसाए तो उसको हो जिसे असली वैल्यू की खबर ना हो। यदि तू व्यवहार से भी कहे ना तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, व्यवहार से भी मेरा अभी इज्जत हुई नहीं, अभी व्यवहार में भी मेरी इज्जत यदि होगी टॉप क्वालिटी की तो 100 इंद्र नमस्कार करेंगे। समझ आया कुछ? क्या बोला मैंने बोला ही उत्तर, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, 100 इंद्र प्रणाम करें, अभी कितनों ने करना, अभी कितनों ने किया, काय का ईगो, ईगो काय का, तुम हो कौन, ये दो चार ये कार मार है क्या? हा 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 हा, गजब गजब बात, ये व्यवहार वैल्यू, व्यवहार मान तो उधर का भी नहीं करना तो इसका तो कौन करेगा, 1 करोड़ का हीरा यदि 10-50 लाख बिक जाए तो इसका मान कौन करेगा, अपन तो नहीं करेंगे। इस करण की कीमत है, देखो हो करण समझ में आया सबको, करण समझ में आया, बस आगे चलो। तो इस यहाँ जो 47 शक्तियों में करण लेना वो ए वाला लेना है कि तू शुद्ध स्वभाव को देख तो ऐसे मान गलता है, ऐसे कसाई गलती है, और ऐसे शुद्ध निराभिमानी निराभिमानी अपन मान के अभाव वाली बात कर रहे हैं वो बहुत उत्पन्न होती है। यदि मैं अभी थोड़ा डिटेल करूँगा तो 4 कसाई का अभाव यहाँ हो गया, चाहे नेगेटिव में बोलो तो 4 कसाई का अभाव हुआ, पॉजिटिव में बोलो तो दी बेस्ट वैल्यू प्रकट हो गई। ठीक, शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्ध संबर निर्जरा मोक्ष प्रकट हुआ, वो यहां पर लेना है शक्तियों में, बराबर। क्या चाहिए अब, 4 कसाई का अभाव हुआ कि नहीं, ये लगाना। आगे चलूं, अब थोड़े एग्जांपल दूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना, कौन सा कारक पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, हाँ बराबर, बोरिंग तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, चलो ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं टफ हो गया थोड़ा सा, नहीं शाम को जरा हलवा वैसा बन गया, नहीं खैर कोई बात नहीं, अब अपन थोड़ा सरल करें। करण कारक माने साधन, परिभाषा पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। साधक तम पनि भवते हुए भाव के, भवते हुए भाव के माने होते हुए भाव के, भवते इस संस्कृत की टोन है, हिंदी में होते हुए भाव के माने कार्य के, होते हुए कार्य के, भवन के माने परिणमन के, साधक तम पने मई, बस इसको रट लो थोड़ा सा, साधक तम पने मई, बोलो क्या बोला, एक बार और बोलो, याद हो गए, कल बताओगे, साधक तम पने मई, मिस का अर्थ करता हूँ, उत्कृष्ट साधक तत्वमयी उग्र साधनत्वमयी करण शक्ति, करण माने साधन, उत्कृष्ट करण माने उत्कृष्ट साधन माने जिससे काम, समझ गए, ये पहले दिन चर्चा हो गई थी तो बहुत सारा काम तो मेरा पहले दिन हो गया, इसलिए अभी इसको उतना रिपीट नहीं करूंगा। करण माने उत्कृष्टतम साधन, करण माने उत्कृष्टतम साधन, इसका मतलब ध्यान से सुनना, उत्कृष्ट साधन की चर्चा हो रही, तेरे अंदर में उत्कृष्ट साधन है, ले निपट गया काम, तेरे अंदर उत्कृष्टतम साधन है, ऐसा करण है, और बाकी विश्व में दूसरा करण है ही नहीं,
फिर से बोलूंगा ध्यान से सुनना जरा। विश्व में द बेस्ट सर्वोत्कृष्ट करण, करण माने साधन, आत्मा में काय का करण है? सुखी होने का। काय का करण है? सुखी होने का। एग्जाम्पल दूं, अपने ही घर में गैस सिलेंडर हो, अपने ही घर में लोट हो, अपने ही घर में दूध सब चीज हो, शक्कर हो, मांगने जाए कोई किसी के यहाँ? जाए? बोलो ने, मैं इतनी छोटा दृष्टांत, ज्यादा बड़ा नहीं। जाओगे? तुम्हारे बैग में ही कॉपी है, पेन है, बुक्स है, सब है। स्कूल में टीचर ने बोला इंग्लिश की बुक निकालो, तो तुम कहाँ देखते हो? अपने बैग में देखते हो कि बाजू के? कहाँ देखते हो? किसी से आपको उधार लेना पड़ता है? तेरे पास सारे पेन हो, किसी से मांगना पड़ेगा पेन देना? नहीं मांगना। आसुन, सुखी होने का द बेस्ट करंट तेरे पास है, करंट शक्ति। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आती तो एकदम मजा जाना चाहिए था इतने में तो। आज कोई मार्केट डे था क्या? आज फिर से थोड़ा आपकी पकड़ा नहीं आ, या तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपको मजा नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको सुखी होना है, भगवान बनना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए चाहिए। क्या करें पंडित जी, पंचम काल है, अच्छे पंडित जी नहीं मिलते, आचार्य स्वामी नहीं मिलते, तीर्थंकर नहीं मिलते, कोई शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं मिलता। ये तू रोना क्यों रो रहा है? तू रोना क्यों रो रहा है? ये बच्चा अपने बैग में सारी किताब कॉपी पेन कंपास और क्या क्या होता है तुम्हारे आजकल, लंच बॉक्स और मैंने सभी होता है ना तुम्हारे उसमें। कल्पना करो, तुम लंच क्यों नहीं कर रहे कि कोई हमको लंच ही नहीं करा रहा? ये तो तू लंच नहीं लाया क्या? कि नहीं मेरा लंच तो है, ऐसा हो सकता है? मेरा लंच बॉक्स है और मैं दूसरे की ओर देखूँ, ऐसा हो सकता है? टीचर ने बोला इंग्लिश निकालो, अब आप ऐसे बैठे हो। टीचर ने दूर से ही देखा, क्यों, क्या बात है, निकाल क्यों नहीं रहे हो? कि कोई दे ही नहीं रहा। क्यों, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है? सोचो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। सम्यक दर्शन करो, झट निमित्त नहीं है। एक पड़ेगा थप्पड़, निमित्त नहीं है तेरे पास। तेरे पास उत्कृष्टतम माने दी बेस्ट सुपीरियर क्वालिटी का माल, चाइना नहीं, क्या कह रहा है? आजकल चाइना की बड़ी मजाक है, भगवान जाने क्यों होती हो, न्यूज पेपर में पढ़ते रहते हमें तो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्या मुझे तो सही बताऊ, मुझे शब्द ही आनंद देता है। क्या लिखा है? उत्कृष्टतम साधन साधकत्व मई उत्कृष्टतम, क्या शब्द लिखा है से तो सच में बिल्कुल सही लिखा है हिम्मत भाई जी ने। बनाऊं पत्र कुंदन ना और रत्नों ना, बिल्कुल मतलब जो समझे वो तो नाचे बस। एक भजन की पंक्ति याद आ रही है, एक तो क्या दो तीन याद आ रही है, एक मैं सुनाऊं, एक आप सुनाओ कि सब लोग मिलके बोलो। तेरे अंतर में भगवानी है तू मगर फिर भी अनजान है, माता जिन वाणी समझा रही सिद्धो जैसी तेरी शान है। क्या कहा आगे, पूरे प्रवचन का सारा है, फिर से बोलोगे? अपने तो भैया देखो मजे लेने, सीधी बात है, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया भैया, मैं तो मजे लेने आया हूँ। समझ आ रहा है? ए माथा फोड़ रहे हो, इधर उधर माथा फोड़ रहे हो, सबसे कह रहा हूँ भैया, सब माथा फोड़ रहे हो, बेफिजूल, एक झटका बहुत है कर्म का, बस सारी जिंदगी हैरान 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 हैरान, एक एक कर्म का झटका बहुत है बस, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी बच्चे का, कभी बिजनेस का, एक झटका बहुत है जिंदगी भर। क्या करे पंडित जी, एक दृष्टांत दे दूं, मैंने दोपहर में दिया था, अभी आपको भी दे देता हूँ, सुनोगे? वो भजन बीच में रह गया, फिर गाएंगे अपन। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा लोगों की बोलने की स्टाइल। मेरे पास आए कोई आदमी तो ऐसे बोले,
पंडित जी हमारे पास भगवान का दिया सब है, ऐसे लोग की बोलेगी स्टाइल, समझिए, भगवान का दिया हमारे पास बद्दू छे, कहीं पर जातनी कसर न थी, कमी न थी, बस बस सबके पास एक बस है, बस कार नहीं, बस एक बस, एक एक क्या, बस पत्नी थोड़ी एवली छे, ना ना पत्नी नथी, छोकरो मानतो नथी, बिजनेस, मैं मैंने गिनती के दो चार पॉइंट ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ हर आदमी के पास, तो मैं उसकी बात सुना रहा हूँ आपको फिर से, भगवान का दिया, उनकी लैंग्वेज मेरी नहीं हो, अपने भगवान कुछ देता नहीं, भगवान का दिया हमारे पास सब है, बस एक ही चीज़ दुख देती है, इतनी सी कमी है बस। तो मैंने कहा एक काम करो, इधर आओ, बढ़िया दही की लस्सी बनाओ या मैंगो सेक, जो भी आपको पसंद हो, काजू सेक, क्या बोलते हैं जो मुझे, तो मैंने तो खाया ही पिया नहीं, लेकिन नाम पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई सेक। तो उसमें आया हमने एक इतना सा, इतनी सी धूल उसमें डाल दी, इतनी सी, जरा सी, ज़्यादा नहीं, एक सी, और मिक्स करके दे दी, पियो, पियोगे कि नहीं, है पी लेगा, पी के देख अच्छा क्या होता है, तो पी गया वो, मज़े से पी गया, बिल्कुल पी गया, मैंने क्यों क्या हुआ, अच्छा बहु बहु सारू, इतनी सी धूल पता ही नहीं लगी पंडित जी, समझ गए मेरा उत्तर, उत्तर समझ में आया कि नहीं, चौका मारोगे छक्का मारोगे, बोलो बोलो, सिक्स की फोर, जल्दी बोल, भले आदमी जब सारा ही सुख दिया है, एक दुख दिया है, तो तुझे इतनी बड़ी लस्सी में इतनी धूल पता नहीं लगती, तो सारे सुख में एक दुख का रोना क्यों रोता, तुझे एक दुख तो ऐसे गायब हो जाना चाहिए, यहाँ कोई दुख नहीं, ये एक आध झटका तो चलता है, कर्मों का इतना शौक तो आना भी चाहिए, इलेक्ट्रिक का काम सीखते हैं ना, उन्हें शौक लगते हैं पक्की बात, ये शौक नहीं लगे तो बन नहीं सकता वो, साइकिल चलाई एक आध झटका तो गिरना ही पड़े, नहीं गिरे तो गिरने की तकलीफ होती है कभी, बोलो, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको अभी बाइक चलाने की उम्र नहीं है, चलाते साइकिल हैं वो स्वप्न में उड़े चले जाते हैं बाइक, यदि साइकिल में सफल हो जाए तो पापा से कहते पापा मैं तो बैलेंस कर लेता हूँ, आप तो मुझे नहीं, नहीं होता, साइकिल चला के बाइक देखते हो क्या, अरे एक आध झटके को गिनता ही नहीं है वो, इलेक्ट्रिक के शौक को गिनता ही नहीं है, ऐसे ही मैं कोई मेरे से कहता नहीं मैं दुखी हूं, मैं बहुत खुश होता हूं, तेरे महापुण्य का उदय आया कि भेद विज्ञान करने का अवसर आ गया, तुझे अपनी परीक्षा करने का अवसर आ गया, तूने इतने दिन तत्व अभ्यास किया था उसका अवसर आ गया, अब तू चार अनुयोग पढ़ा हो तो नरक की पीड़ा से अपनी पीड़ा की तुलना कर, तू बहुत मौज में हो नहीं, बहुत मौज में, और जरा भी तू सटावशक नहीं करना चाहता है तो सुन, नो एक्सक्यूज कि हमारी पढ़ाई इतनी है, कि हमारी जॉब ऐसा है, कि हमारा फल ऐसा है, बिल्कुल झूठ, छह खंड का चक्रवर्ती सट आवश्यक करता है, वेद विज्ञान कर, प्रमाद नहीं, वेद विज्ञान कर, मेरे पास तो रिपोर्ट लाओगे तो मैं बहुत खुश होता हूँ, अच्छा है भगवान थोड़ा बैरागी होने का अवसर आया, अब तो कभी मालूम पड़ा, रियलाइज हुआ कि सही में दुनिया में कोई दुख होता है, कई लोग मेरे से कहते पंडित जी अभी तक हम दूसरों की बातें पढ़ते थे सुनते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि इसमें कोई लड़की भाग गई तो भाग जाती होगी उसमें क्या, लेकिन हमारी भागी ना तब बड़ा दुनिया का घाटा होता है तब हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन अपना होता नहीं, जब दूसरों के मान मर्दन होते नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं, जाओ अपना मान ईगो गलता है नहीं, पंडित जी बस सारे सुख एक गिलास लस्सी में, क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अब धूल ही धूल दिख रही है, बस मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया है अपने फ्रेंड सर्कल में, फॉरवर्ड ऑन, समझ गए, फॉरवर्ड, हमें भगवान ने सब कुछ दिया, ऐसे सब दिया तो एक दुख को क्यों गिनते हो, और एक दुख आया तो वेद विज्ञान कर, और छोटे मोटे तू दुख में घबराता है तो मुनि दशा तो आने वाली नहीं है, और जब मुनि दशा नहीं आ रही तो फिर सिद्ध दशा की तो बात ही नहीं है, चलो वापस भजन, तेरे अंतर में भगवान है,
तू मगर फिर भी अनजान है, माता जिन वाणी समझा रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। समझ में आया कुछ? मजे नहीं आए ना? अभी कहते तेरी तो धोनी जैसी शान है। पंडित जी ने धोनी का धोनी, सच्चू का सचिन तेंदुलकर, ओ गजब। नहीं, कल्पना तो करो क्या कह रहे हैं। दूसरा भजन जो याद आ रहा है, बीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु मेरे में डोले, करण शक्ति का भजन है। कौन का भजन है? करण, तुझे खबर नहीं। पूजा की लाइन बोलो, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया। पूजा याद है कि नहीं? कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में आ गए हो? चल कितने दिन में याद कर लोगे ये पूजा? एट्थ, एट्थ में तो चार पूजा याद होनी चाहिए। ए भैया, एक आध ग्राम का चांदी इनको भी दे दो, ये याद करना है। हाँ, अगली बार ये बुलाएगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। समझ गए? बुलाने की शर्त क्या है बोलो? पेमेंट, क्या पेमेंट करना है? अच्छा, अगले साल तक कौन कौन पूजा याद कर लेगा बच्चों में से? आप कर लोगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक दो तीन, वेरी गुड। हाँ भैया, एक जेबी करेगा, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, चलो इधर भी कोई करेगा, ठीक है। हाँ भैया, और एक चीज़ और याद करनी है, बहु पुण्य केरा। रोज पढ़ना, याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हाँ, टेंशन करके याद नहीं करना, नहीं तो टेंशन याद रह जाएगी, वो पाठ भूल जाएगा। अरे क्या बढ़िया पाठ लिखे हैं, मैं तो इसकी एक पंक्ति अच्छी लगती है पूजा की। ओ ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, बस रुको, धीरे धीरे। क्या क्या बोला? ओ ज्वल, ओ ज्वल 100% शुद्ध पर्याय, 100% करण, 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 ओ करण की बात है। ओ ज्वल हूँ कुंद, कुंद माने सोने के समान, 24 कैरेट का सोना, धवल निर्मल। ओ ज्वल हूँ कौंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, देह से न अड़ा हूँ किंचित भी। क्या गजब है बोलो, पूजा में मजा आता है कि नहीं आता है? एक्चुअली वो रट्टा वाला पूजा करते हैं, चलो पंडित जी बोल गए थे तो याद कर लो, पूजा केवल ठीक है, चलो हो गए, थी गई पूजा। ऐसे नहीं, आप तो यदि 5 मिनट निकालते हो ना पूजा के लिए, तो 1 मिनट अच्छी लाइन ढूंढ के रुक जाओ, 4 मिनट में बाकी कर लो, कोई बात नहीं, 1 लाइन पे रुको, मजा लो, और चूसते हुए चलो घर जाओ। तो जैसे हम तेरे को बोल दे ना कि ये लड़का बहुत हीरो लगता है, बड़े होके फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, इतना सुन के तो यहाँ से घर तक कैसे जाएगा? क्या झूमता हुआ जाएगा, पंडित जी ने हीरो कहा, पंडित जी की बाणी फल जाए, हे भगवान पंडित जी की बाणी फल जाए। हे वो तो गुंडे बदमाश हैं, हीरो वीरो नहीं बनना अपने का। हीरोइन को मैं बहुत गंदा शब्द लेता हूँ, और है ही सच्ची बात है, मैंने दुनिया में सबसे गंदे मुझे हीरो हीरोइन लगते हैं। मैंने अश्लीलता के चरम भंडार, बेस्याओं को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, हीरोइन को तो मैं बेस्या भी मानने तैयार नहीं हूँ। उनकी कपड़े, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी सोच, न उन्हें अपने भाइयों की, न बच्चों की, न माता पिता की, कोई की यार नहीं। मैं तो कहता हूँ उनको मॉडल नहीं बनाना अपनी ज़िंदगी का, बहुत कड़क शब्द में बोला है मैंने, मुझे बिल्कुल 1% पसंद नहीं। हाय समझ में आया? आहा, तू भगवान है, आहा, ये सुनकर तो खुश हो जाना चाहिए। चलूं आगे? चलूं
करंट, घड़ी तो भाग जाती है, एक घंटा हो गया ले, अभी तो करंट में बहुत माल है। ओ करंट कितना उत्कृष्टतम, करंट उत्कृष्टतम साधन। ये तू दूसरे की ओर देख क्यों रहा है? जैसा भूख लग रही है तो एक पड़ोसन के घर गए, कुछ चावल वगैरह हो देना थोड़ा सा। बोले क्यों, तुम्हारे घर में है नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, भूख दूर करने के लिए आपके घर में कुछ है नहीं कि नहीं? छह नहीं, छह नहीं तो फिर सामाटे जो छो, काय के लिए मांग कर रहे हो इधर उधर, क्यों ढूंढ रहे हो? बना भिखारी निपट अजान, निपट अजान माने ओनली अननोन थिंग, आपने अननोन रखा है इसको, इसीलिए भी क्यों मांग रहे हो? खूब खाने पीने का मटेरियल रखा है वो फिर भीख मांग रहा, क्यों? डफर सिस्टम में सब रसगुल्ले सब सामान तूने रख लिया अपने इसमें, और आप सब खा रहे हो मजे कर रहे हो और तू उन्हें देख रहा है। तो कोई नहीं पूछा तुम क्यों नहीं खा रहे, तुम खिलाओ ने, ये तो तेरे पास रखा है ना भले आदमी। बहुत कड़क बात है, कहूं कहूं कि नहीं कहूं बोला। हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की, कह तो देते हूं मैं अपने आनंद के लिए, आप उसके लायक हो तो झेलना और नहीं तो लायक बनना, कह दो। जैन दर्शन भगवान के दर्शन का धर्म नहीं है, भगवान बनने का धर्म है। कुछ कहा मैंने? रोज रोज भगवान का दर्शन करना भगवान को इष्ट नहीं है, भगवान अपने आनंद में लीन है और तुम उनको देखते हो, ये इष्ट नहीं है। मेरे ही समान तेरा करण है, मैं अपने आत्मा में लीन होता हूँ, तू अपनी ओर देख। तू रोज मेरे सामने हाथ जोड़ता है, इट इज़ नॉट गुड। एक भगवान दूसरे आत्मा के, दूसरे भगवान के हाथ जोड़े, ये मुझे पसंद नहीं। ये हमारे महावीर भगवान का सोच है, ये अन्य देवी देवताओं जैसे नहीं है। पूजा नहीं करी तो तेरा बच्चा मर जाएगा, ए पूजा नहीं करी तो तूने लड्डू नहीं चढ़ाया, भोग नहीं चढ़ाया, चुंदरी नहीं चढ़ाई तो तेरा ऐसा हो जाएगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं है, जैन दर्शन महावीर भगवान ये कहते हैं मेरे समान तू भी परमेश्वर है, अपने अंदर देख बस। तो फिर पंडित जी कल से मंदिर नहीं आऊं? वाह, ये तो मैं सुनना ही चाहता हूं, ये तो मैं सुनना ही चाहता हूं। यदि तुम ये कहोगे कल से मंदिर नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मत आओ आप मंदिर। लेकिन जो मंदिर नहीं आते वो जंगल में चले जाते हैं। जी पंडित जी आपने गड़बड़ कर दी ना, हम तो कौमा ही को फुल स्टॉप कर देते नहीं आप, कौमा के बाद क्यों बोल दिया आपने? ये तो मैंने पहले कहा था आप झेल लो तो बहुत सावाश, लेकिन मैं सच कहता हूँ मेरे को तो कई बार बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। 24 तीर्थंकर नाम लेने में भी कष्ट होता है, कष्ट होता है, ये कह रहा हूँ मैं। भक्ति इतनी हानती है कि कष्ट होता है, ये कैसी भक्ति और कैसा कष्ट। आप 24 तीर्थंकर के नाम बोलो, 20 तीर्थंकर के नाम बोलो तो अपन कैसे बोलते हैं? ऋषभ, अजय, संभव, अभिनंदन, तुम क्या बोल रहे हो पता है तुम? किसका नाम बोल रहे हो, किसका नाम बोल रहे हो पता है तुम्हें? पांच राष्ट्रपतियों के नाम बोलो तो आप बड़े उससे बोले महामहिम अब्दुल कलाम, महामहिम स्वयं सौ, महामहिम प्रतिभा पाटिल, महामहिम प्रणब मुखर्जी, तो उनका नाम तो महामहिम करके बोलते हो। यदि आप ऐसे बोलते हो ना अकेले में भी, ऋषभ, अजय, संभव, 24, अभिनंदन, सुमत, पदम प्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से सुनते भी नहीं बनता और अंदर से बोलता हूँ तो मुझे कष्ट होता है, मुझे कष्ट होता है, मैं खुद नहीं बोल पाता, अंदर अंदर बोलता हूँ तो कष्ट होता है मुझे। मेरे को याद है 20 तीर्थंकर के नाम, लेकिन मेरे से बोलते बोलते रोज कष्ट होता है। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा कि जब आपकी जितनी महिमा है एक एक नाम का उच्चारण भी इतनी महिमा से कर पाऊँ? अभी तक तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मैंने इतनी भक्ति से मैं भी स्मरण नहीं कर पाता, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कष्ट होता है, मैं इस कष्ट को ही भक्ति मानता हूँ। किसका नाम ले रहे हो? 10 विद्वानों के नाम लेना,
एक भी हुक्म, एक युगल, ऐसे ले हो गया ऋषभ, अजित, संभव, क्या कौन है? चपरासी हैं, बच्चे हैं, तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्यशाली भगवान है। आ हा हा, परम उपकारी भगवान है जिन्होंने ये बताया कि तू भगवान है। ये बात कोई ने नहीं बताई विश्व में, उनके चरणों में हमारा कितना नमन है। अरे रे रे, उनका नाम यदि हम पूजा फास्ट पढ़ते, मेरे से बहुत तकलीफ, मुझे तकलीफ होती है, मेरे से फास्ट पढ़ी नहीं जाती, नहीं पढ़ी जाती, मेरे से नहीं पढ़ी जाती। हालांकि कोई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। बस समझ में आ रहा कुछ? क्या कहे, करण आहा, तीन लोग का सारे सुखों का करण तेरे पास, और तू भिखारी बनाना, भिखारी समझ गए? बहुत टाइम हो गया, घड़ी बहुत तेज भाग रही है, बता दू एक मिनट में जल्दी, आकुलता तो नहीं होगी? भिखारी वैसे बता चुका हूं पहले, मुझे तो जल्दी से रिपीट करना है बस थोड़ा सा। अरे तुझे ऐसा लगता है टीवी के बिना सुखी नहीं हो सकता? टीवी करण है, टीवी सुख का करण है, नक्की कर, करण कारक नक्की कर। महिलाएं बोले मुझे गोल्ड की दागीना के बिना सुख नहीं होता, भले घर में करोड़ों अरबों है, कार है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो हीरे का हार नहीं है। हीरे का हार करण है, नक्की कर पहले, नक्की कर। आ हा हा, क्या गजब हो गया, सारे सुख का करण। एक शब्द है नहीं करंड, हालांकि करंड माने खजाना होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं करण का खजाना, इसलिए करण। क्या कहा? करंड, करंड क्या होता है? खजाना है ना, खजाना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है करण का खजाना होने से करंड है। बोल, तेरे पास ज्ञान, दर्शन, चारित, अनंत गुणों की अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होने का करण है कि नहीं? है ना, खजाना है ना। बोलो, रत्न करंड, ये रत्न करंड। हाँ बेटा, आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अनंत अनंत निर्मल सुख, सुख सुख सारे सुख। ओ भिखारी पंडित जी, बहुत डिप्रेशन में। क्यों? मूर्खों को डिप्रेशन में देखता हूँ। मूर्ख समझ गए कौन? पढ़े लिखे मूर्ख। भाई अपने आप में ओवर इमेज कर लेते, मैं डिग्री करूंगा तो 40 लाख का पैकेज तो कम से कम मिलेगा, अब 25 का मिल गया तो डिप्रेशन। पंडित जी यूके चला जाऊं कि कनाडा? मूर्ख, अपने में चला जा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटे? अरे तूने अपनी ओवर इमेज क्यों कर ली कि कनाडा और यूएस में कुछ रखा है, हमारा भगवान इधर है। अरे ये बात कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी भैया, कहीं नहीं मिलेगी। आहा, भिखारी समझो, ये भिखारी पत्नी के बिना सुखी नहीं। ए गजब हो गया, पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, हो दो दुखी इज इक्वल टू सुखी कैसे हो गए समझ में नहीं आए। मतलब तू तो करण, करण कारक न की करो, बस हमें कुछ नहीं कहना है, हमारा बिजनेस चल जाए तो सुखी हो जाए। कहा है का बिजनेस, हमारा कोई ईगो इतना सम्मान कर दे? एक काम करो, थोड़ा बहुत हमारा भी सम्मान करो भैया। ए एक सोने के पत्र पे हमारा भी नाम लिखवा दे। गजब हो गया मूर्ख। सच कहता हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया आज के प्रवचन में, आपको तो जो आपकी जानो। करण कारक नक्की कर ले, कौन जमीन पे नाम लिखवावे, कौन यहाँ नाम लिखाओ, मेरा 1 लाख दिया, नाम लिखाओ, नाम पार्टी। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि नाम पार्टियां मार्टियां अपने दिखता नहीं है, ये बहुत अच्छा है। समय शिखर जी में जाओ तो 5 रुपया ये लिखा, कौन सी बहुत कितने आपको पता है? मूड बद्री का जो मूल मंदिर है ना, मूड बद्री का 108 स्तंभ है, जिसमें 108 पिलर वाला मंदिर है ना, वो 1000 बरस पहले 6 करोड़ रुपए में बना था। वो 1000 years, एक भी घर आज भी उसके लेवल का नहीं, उधर उस मंदिर के लेवल का एक घर नहीं आज भी मूड बद्री में।
वो मंदिर इतना जोरदार, 6 करोड़ कैसे लगाए होंगे उस जमाने का 6 करोड़, आज की तारीख की तो हम कुछ कह नहीं रहे, क्या महिमा, हा हा, भिकारी भिकारी, ओ हो हो। स्वामी जी की भाषा में बोल के प्रवचन पूरा करता हूँ, क्योंकि आप कहते तो कुछ नहीं लेकिन लगता तो आपको भी होगा ये तो आप मेरी इज्जत करते हो इसलिए कुछ कहते नहीं हो। स्वामी जी की एग्जाम्पल देके बात पूरी करता हूँ। भावनगर का राजा कृष्ण नाम था ना, कृष्ण ऐसा कुछ नाम था, कृष्ण देव ऐसा कोई नाम था, भावनगर का राजा है, हाँ कृष्ण कुमार, भावदेव भावनगर का था ना। तो सोनगढ़ में कार्यक्रम था, पहला जो मंदिर बना था ना वो कार्यक्रम हुआ था वहाँ, कुंद कुंद मंडप के समय, प्रवचन मंडप के समय। तो सर सेठ इधर सेठ आए थे हुकुमचंद इंदौर से, और वो स्वामी जी का प्रवचन स्टार्ट, स्वामी जी का प्रवचन स्टार्ट, जैने 2 पैसा जो ये वो नानो भिकारी समझ गए, और जैने सल्तनत जो ये ते मोटो भिकारी। तो कृष्ण कुमार सु मोटा भिकारी, भिकारा भिकारा गुरुदेव तो देखो जो निष्प्रयी हो नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कि तू कुछ हो तो हमें कुछ मिले। सब लोग महिमा कर रहे, उस समय सर सेठ हुकुमचंद 70 लाख का हार पहने थे, इधर हार नीलम मणियों का बहुत ऐसे पहनते थे वो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े हार, फोटो रखा मेरे पास देखना हो तो, ऐसे बड़ा ऐसे सो पहने सो फोटो में। तो सब गुरुदेव के पास, साहेब 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 70 लाख नो हार। गुरुदेव बोले मने तो कहीं लागत नहीं पाथरानो छे, मने तो कहीं लागत नहीं पाथरा जेवो छे ने, आमा शू फेर छे क्या। आहा, हमें तो सच कहता हूँ जब जब गुरुदेव की याद आती है अपना तो जन्म भी निहाल हो गया, बस ऐसे गुरुदेव मिल गए और ये वाणी का ऐसा मर मिल गया, अब दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय।